तो सारी दुनिया की पेंसिलें शार्प कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास है ये शार्पनर। ये काफी छोटू सा है, रैबिट जैसा है, ट्यों ट्यों। पिंक कलर का है, मिला क्योंकि मेरे को और कलर नहीं मिला था। इसमें एक एक्सपेंसिव आता है जो 400 तक आता है ब्लैक कलर का, तो वो मेरे को मतलब इतने पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, तो ये मेरे को मिला है 200 रुपये में। काफ़ी क्यूट सा है। तो इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसमें ये एक प्यारा सा तो है जिससे अपन अंदर पेंसिल डालते हैं तो उसके अंदर आता है, एंड इसके अंदर जो एक गोला है इसमें पेंसिल डाली जाती है, एंड इसके नीचे डस्टबिन है जिसमें पेंसिल की जो डस्ट आती है, जो भी मतलब छिलके जो उसका वो आता है वो इसके अंदर जाता है, फिर आप इसको निकाल के फेंक सकते हो, फिर आप ऐसे इसमें डल जाता है। एंड इसकी और डिटेल में बात करें तो ये बेसिक सा एक ये है, इधर कुछ बोल्ट का सेम है, एंड इसको खोलने के लिए हम इसे ये घुमाना पड़ता, तो ये अब ऐसे खुल जाता है। तो ये इसका मतलब बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। तो हम इसको पकड़ के यूँ घुमाते हैं, तो ये कई ब्लेड्स लगी हुई जिससे अपनी पेंसिल शार्प होती है, तो इसके अंदर पेंसिल डाली जाती है, एंड धीरे 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 इससे शार्प होती रहती है, और वो एक नली के रूप में शार्प हो जाती है। आपको दिख रहा होगा ये नीचे छोटा सा, तो यहाँ से डाल के इस कटर को घुमाते हैं ना, तो उससे ये शार्प हो जाती है, एंड ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका। तो इसको वापस लगाते हैं, तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं होता, बस बस आपको ये जो इसमें ये डालने होते हैं, तो इसको यूँ डाला हमने अंदर, एंड इसको यूँ घुमा दिया, लो हो गया, ठीक है। एंड नीचे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये होता है, एंड डस्टबिन लग चुका है। तो इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा पेंसिल शार्प की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी। ये अप्सरा की पेंसिल थी मेरे पास, पुरानी रखी हुई थी, तो ये मैंने चारकोल सॉफ्ट पेंसिल की है, एंड अप्सरा की कहाँ गई वो, बहुत सारी पेंसिल, हाँ ये रही, तो ये अप्सरा की पेंसिल शार्प की है, एंड ये वाली भी अप्सरा की है मेरे पास, पुरानी रखी हुई थी, तो मैंने इसको ट्राई किया है। एंड इसके बाद मैंने ये टॉम्स की पेंसिल भी शार्प की है, और एंड ये जो मीडियम चारकोल पेंसिल है, हाँ ये भी मैंने इसी से शार्प की है, एंड शार्प ग्लास मार्किंग वाइट पेंसिल, एंड ऑल्सो शार्प चारकोल वाइट चारकोल पेंसिल का भी, हाँ ये रही। तो इन सबको शार्प कर दिया अच्छे से, काफ़ी अच्छे शार्प हुई है। बस वो जो फाइन पॉइंट होता है ना अपना, जैसा वो मतलब फाइन पॉइंट इस कटर से नहीं आता, वो छोटे वाले कटर से आता है, ये चुभने वाला जो होता है वो छोटे वाले कटर से आता है वो। एंड ये अप्सरा की पेंसिल रखी हुई थी मेरे पास 8B, तो इसको शार्प करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे शार्प करेंगे इसे। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से इसको, हम इसमें डालेंगे भी जल्दी से। ये कुछ पेंसिल्स रखी हुई है मेरे पास, तो उनको भी शार्प कर देंगे, सबको शार्प कर दिया जाएगा आज। तो ये इसमें बेसिक सा एक है, इसमें आपको ब्लेड्स दिखेगी, इसको सबसे पहले आगे करना है आपको, फिर आपको इसके जो ऊपर जो दो वो हैं उनको दबा के अंदर की ब्लेड्स हैं वो खुल जाएगी, जिससे आप उसमें पेंसिल डाल सको। तो इसको हमें दबा का है, इनके जो ये है ना कान, रैबिट के कान, उसमें दबा के पेंसिल डालनी है जहाँ तक जा रही है, तो उसको बंद कर देना है, एंड इसको हमें अच्छे से पकड़ लेना है शार्पनर को, एंड पीछे से जो ये शाफ्ट है इसे घुमाना है जहाँ तक आपकी शार्प नहीं हो जाती पेंसिल, मतलब ये जो आगे निकला हुआ है ना वो पीछे आ जाएगा, देखो आप धीरे धीरे पीछे जा रहा है वो, तो जहाँ तक ये पूरा चिपक ना जाए उससे बॉडी से, जो आगे के जो निकले हुए हैं ये वाइट। तो देखो हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है, एंड नेक्स्ट तो भी ये 2H पेंसिल, इसको भी जल्दी से शार्प कर देते हैं, तो इसको हम फटाफट से कर देते हैं। मैंने थोड़ी टाइम लैप्स की ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये भी शार्प हो चुकी है, अब ये है, इसको भी मैं शार्प कर देता हूँ जल्दी से, ओम का बम बम बम, जल्दी शार्प हो जाए तो। हाँ भाई होगी ये भी शार्प, तो काफ़ी क्यूट सा है ये, एक रैबिट जैसा लगता है, क्यूट सा पिंक कलर का है ये, एंड इसका डस्टबिन, एंड ये काफ़ी रैबिट सा है, मस्त है, इसका डस्ट है ये निकली हुई है। देखो मैंने जो भी पेंसिल है शार्प की थी, अब इसको हम मतलब निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसको जो है ना ये काफ़ी अलग सा इसका वो कचरा होता है देखो आप, एंड इसको हम काफ़ी अच्छे से
फेंक सकते हैं एंड वापस इसे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई, कटर पसंद आया, वहाँ शॉपनर पसंद आया छोटू सा, तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो काय पे चाहिए आपको। मैं वैसे आर्ट की लाऊंगा, मैं कुछ आर्ट वर्क बना रहा हूँ तो उसकी ही लाऊंगा टाइम लैप्स। एंड आपको रियल टाइम वीडियो चाहिए आप तो बता सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।